हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप में से बहुत कम ऐसे बंदे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया हो। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अगेन बात करने वाले हैं सबसे पहले सुनमित गिल भाई के बारे में। तो सुनमित गिल भाई की साइड से अगेन गाइज उनका जो प्रेजेंट टाइम का करंट फिजिक अपडेट है वो गाइज आउट किया गया है। एंड यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो कि उनके जो चेस्ट में फाइबर्स हैं वो यहाँ पे इजिली आप लोग को नजर आ रहे होंगे। एंड चेस्ट में जो आप लोग को फुलनेस देखने को मिल रही है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा अमेजिंग है। एंड ऑल्सो जैसे आप लोग को पता होगा कि गायनो प्रॉब्लम हुई थी उससे भी वो उभर चुके हैं। एंड यहाँ पे बैक में और भी ज़्यादा वो डिटेलिंग शो करते हुए हम लोग को नज़र आ रहे हैं। एंड पैर से काफ़ी अच्छी थिकनेस भी आप लोग को देखने को मिली है। एंड ऑल्सो वैक्यूम पोज आप लोग देख सकते हो, तो काफ़ी स्मूथली वो हिट करते नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि उनकी वेस्ट जो है वो गई जीरो आप लोग को नज़र आएगी। वेल, आने वाले शो के अंदर सुनमित गिल भाई डेफिनेटली तबाही मचाने वाले हैं। एंड लेट्स सी, फिलहाल के लिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लवप्रीत सिंह भाई के बारे में। तो लवप्रीत सिंह भाई की साइड से गाइज उनकी जो प्रेजेंट टाइम की फिजिक अपडेट है वो गाइज आउट हो चुकी है। एंड फाइनली गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लवप्रीत सिंह भाई कितने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। एंड डेफिनेटली गाइज एंड ताइवान प्रो शो की जजेस की साइड से लवप्रीत सिंह भाई को सजेशन मिला था कि उनको अपनी चेस्ट में थोड़ा सा मास और ऐड करना चाहिए। यहाँ पे अब आप लोग देखने को मिलेगा लवप्रीत सिंह भाई पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ह्यूज एंड एक अच्छे खासे साइज के अंदर आप लोग को नजर आ रहे हैं। पहले के मुकाबले जो उनके चेस्ट थी जो थोड़ी सी दबी हुई लगती थी वो भी गाइज आप लोग को काफ़ी फुलर अभी आप लोग को नजर आएगी। तो गाइज अगर मैं ये बोल भी दूँ कि इस बार लवप्रीत सिंह भाई मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई कर सकते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। एंड आप लोग उनकी ये फिजिक कैसी लगी कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं डियोन के बारे में। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस उनकी साइड से उनकी जो करंट टाइम की फिजिक अपडेट है वो गाइस आउट करी गई है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फिलहाल में जो डियोन है वो गाइस कैसे नजर आ रहे हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि वो नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं एंड वो नेचुरल शोज के अंदर भी कॉम्पीट करते हैं। यहाँ पे वो बताते हैं कि अपने बल्गिंग मोड पे हैं। एंड उसके बावजूद भी आप लोग देख सकते हो कि एक अच्छी खासी एंड डिसेंट फिजिक को अभी वो कैरी कर रहे हैं। पहले के मुकाबले वो थोड़ा सा साइज जरूर से ऐड कर पाए हैं। उनकी चेस्ट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बिगर एंड एक अच्छी खासी साइज में नज़र आ रही है। बाइसेप्स एंड क्वाड्स भी आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर भी साइज कुछ ऐड करते हुए वो हम लोग को नज़र आए हैं। एंड जैसे कि आप लोग को पता है जीत सेलाल भाई हैं जो कि HSF नेशनल बॉडी बिल्डिंग शो को ऑर्गेनाइज कराते थे। अब गाइस उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी प्रीवियस ईयर कि अब से इंडिया के अंदर HSF नहीं होगा। तो गाइस यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर से आ गई थी, लेकिन गाइस अब IFBB की साइड से जो कि गाइज टाइलर मेनियन NPC एंड IFBB के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट गाइज कर दी है। एंड वो अनाउंसमेंट ये है कि गाइज NPC जो शो हैं वो अब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। जी हाँ गाइज, NPC शो अब नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए भी होने जा रहे हैं। एंड ये भी नहीं कि वो अगले साल या फिर कुछ मंथ्स बाद जाके प्लान करेंगे। एंड उन्होंने गाइज ये अनाउंसमेंट भी कर दिया कि इसी साल ही 75 नेचुरल शो जो है वो गाइज USA में कराए जाएंगे। तो क्या लगता है गाइज, एंड ये आने वाले टाइम्स के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। एंड कुछ NPC शोज जो हैं वो गाइज वर्ल्ड वाइड भी किए जाएंगे, जो कि कुछ ना कुछ गाइज यहाँ पे और भी ज़्यादा प्लानिंग करी जा रही है, बहुत बड़ी प्लानिंग करी जा रही है नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए भी। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग इसी साल या फिर नेक्स्ट ईयर से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो NPC की साइड से देखने को मिल जाए। वेल, ये गाइज नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जब से गाइज HSF साइड से जो न्यूज आई थी तब से काफी ज्यादा निराश होंगे नेशनल बॉडी बिल्डर्स, लेकिन अभी उनको चैन की एंड राहत की सांस मिलने जा रही है जो कि NPC नेचुरल शो भी लेके आ रहा है। आप लोग के थॉट्स एंड ओपिनियंस इस न्यूज के रिगार्डिंग कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं गुड वीटो के बारे में। तो गुड वीटो के साइड से गाइज आफ्टर लॉन्ग टाइम उनकी जो प्रेजेंट टाइम की कंप्लीट फिजिक अपडेट है वो गाइज आउट करी जाती है। एंड यहाँ पे वो गाइज 2 डेज आउट है अपने नेक्स्ट शो से, जो कि आर्नो क्लासिक ब्राजील होने वाला है या फिर आप लोग साउथ अमेरिका बोल सकते हो, जिसमें कि आप लोग देखो गुड वीटो को वो कितने ज़्यादा हिलेरियस लग रहे हैं। आप लोग साइज देखो, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड करें वो साइज में। ऑल्सो गाइज यहाँ पे आप लोग शोल्डर देखो, उनके क्वाड्स देखो जो कि पहले के मुकाबले दोनों ही साइज
वाइज एंड कंडीशनिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुए हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे गाइज आप लोग उनका गट देखो, पहले के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हैं, काफ़ी ज़्यादा वो टाइट भी उसको कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे गाइज गुड वीटो को प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि गाइज जो उनकी चेस्ट है, उनकी इतनी बिगर शोल्डर होने के बावजूद उनकी चेस्ट थोड़ी सी दबी हुई लग रही है। एंड देखना तो ये होगा, शायद ये साइड एंगल का भी इशू हो सकता है या फिर वो अपनी चेस्ट को कुछ ज़्यादा ही प्रेस कर रहे हैं। बाकी अगर वो थोड़ी पोजिंग एंगल चेंज करेंगे तो वो भी आई थिंक सो रिजॉल्व हो जाएगी। आप लोग क्या लगता है कमेंट करके बताना। बात बाकी सो गाइज आज की इस वीडियो तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइज।